अस्सलाम वालेकुम। अज एक बड़े बेहतरीन इंडियन ट्रैक्टर की वीडियो लैके आती है। खसूसन ये वीडियो मैं टैग करांगा अपने पाकिस्तानी वीरां के एडवांस ट्रैक्टर जोड़े ने वो की चीज़ ने जोड़ा आप उलझे हुए हैं ना उस मतलब एक दो ही कंपनियों के दरम्यान उलझे हुए हैं और फंसे हुए हैं और मजबूर हाँ। तो अपने हमसाए मुल्क के कैसे ट्रैक्टर आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर लैके आता मेरा इंडियन ट्रैक्टरों के मेरा जिहड़े बेहतरीन किस्म के ट्रैक्टरों के पसंदीदा और खूबसूरत लुक के जो मैं पसंद ट्रैक्टर ने चार पांच ट्रैक्टर उन्होंने एक ट्रैक्टर यह है जिहदी वीडियो कोई भी यूट्यूब पर आ जाए मेरे सामने आ जाए मैं कोशिश करके उन्होंने देख लेना चाहे जह जी भी हो। वीडियो ट्रैक्टर फैन दी है यूट्यूब चैनल इंडियन दल है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पहुँचे हैं हनुमानगढ़ में जो ड्यूज की डीलरशिप है उसके ऊपर। तो वहाँ पर तीन ड्यूज आए हुए हैं। जो इनका मॉडल आता है 80 HP के अंदर फोर व्हील ड्राइव के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे सर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर आपका। सर आपका भी मार्ग गुजारने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जो आपका ये ड्यूज ट्रैक्टर आता है 80 HP के अंदर, तो इसके अंदर हाँ जी क्या क्या फीचर हैं इसके अंदर? 80 HP प्रो फ्लाइन जी। इसके अंदर सबसे पहले स्पीड का जी, इसमें 3 स्पीड भी है। थ्री लो हाई मीडियम हाँ SR लो और हाई जी। SR के अंदर मैक्सिमम मिनिमम स्पीड 300 मीटर प्रति घंटा से लेके जी ऊपर के अंदर टॉप स्पीड भी अच्छी है। पांचवा हाई टॉप स्पीड अच्छी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा 2200 RPM पर। 2200 RPM सर जो इसका रेटेड RPM है वो कितना? 2200 RPM हाईएस्ट RPM 2200 है। ओके रेटेड RPM 1800 RPM ठीक है सर। तो और सर और क्या फीचर है इस ट्रैक्टर के अंदर? चारों टायर डिफरेंशियल लॉक, कमाल कमाल फंक्शन है। तो चारों टायर डिफरेंशियल लॉक है जी। चारों टायर डिस्क ब्रेक और चारों टायर डिस्क ब्रेक है जी, ऑप्शनल जी। अगर आप यूज में लेना चाहो तो आप ले सकते हो वरना बंद कर सकते हो आगे ब्रेक जी। इंडिपेंडेंट ब्रेक लीवर एंड ब्रेक अलग से है जी। इसके अंदर 4 सिलेंडर इसका इंजन जो 4 सिलेंडर इंजन है इसका जी। लिफ्ट कैपेसिटी देखो तो ट्रैक्टर की बजाय इसकी ज्यादा है। इसकी 3200 kg बहुत लिफ्ट कैपेसिटी है। अगर तुम मैसी 385 नाल करो मैसी दी 2200 kg है। बैलारस दी जड़ी है वो 3100 तक 31 kg है। 31000 मैं आपको 3100 kg दिखाता हूँ। तो ये देखो सर इसके अंदर जो दोस्तों फ्रंट टायर 16-9-3 वो 11-2-24 के आते हैं और जो पिछले टायर है इसके अपने 18-18 के आते हैं। ये आप देख सकते हो 16-9-30 के आते हैं। तो ये पूरा ट्रैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप सर। ये लो हाई के लिए दिया हुआ है, फोर व्हील टू व्हील ड्राइव के लिए। लो हाई के नहीं है, टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव के लिए। ये इसके डबल क्लच है, बहुत फायदा है फीएट के विच। यही क्लच है बड़ा फायदा होता है, अलग से क्लच है पीटीओ का क्लच ठीक है। और सर अगर हम गियर की बात करें तो आप उधर दोस्तों अगर मैं गियर की बात करूं तो काफी ज्यादा आगे पीछे जावांगे ना जिसले ते पीटी दुआ क्लच दबावांगे उतने पीटीओ नहीं रुकेगी। मैसी दे विच यही है डुअल, थोड़ा जे ज्यादा दबाओ तो पीटीओ भी रुक जांदी ना आली चापर दे उत्ते बड़ी परेशानी होंदी है। तीनों गियर जी, ये मेन गियर आ गया सर जी। ये आगे इसका आगे पीछे का रिवर्स फॉरवर्ड जितना ये आगे चलता है उतना ही पीछे चलता है। जिस गियर के अंदर आगे उसी गियर के अंदर पीछे जाएगा क्लच देके पीछे आउट ब्रेक आगे और पीछे जी। ओके चारों लाखों का डिफरेंशियल लॉक भाई चार टायरों का दस रहा है ना बहुत फायदा है। वट से चढ़े ट्रैक्टर स्लिप कटने लग पे 4x4 ये नहीं कटेगा। 500 गियर के अंदर 15 स्पीड दी हुई है ट्रैक्टर जी। ओके और ये दोस्तों लिफ्ट सेंसिंग के ये आ गए हैं। और ये अगर हम बात करें हाइड्रोलिक की तो वो हाइड्रोलिक दिए गए हैं। तो बाकी ये आप देख सकते हो स्टिकर लगा हुआ है वीडियो को पोस्ट करके। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम सीट की बात करें इम्पोर्टेड सीट दी गई है इसके अंदर। ये मेड जर्मनी की साइज मुझे पता है हाँ। तो काफी अच्छी और एडजस्टेबल है सीट दी गई है इस ट्रैक्टर के अंदर। सीट की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जी। मेरा फेवरेट तीन ट्रैक्टरों के विचों एक ट्रैक्टर है, बल्कि फेवरेट के विचों टॉप ते जेड़ा ट्रैक्टर है मैं वो कह सकता हूं। काफी अच्छी सीट दी गई है। तो ये मीटर वगैरह आप दोस्तों देख सकते हो इसके। और पैडल भी काफी सुंदर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं नवाब ट्रैक्टर है, नवाब डिजाइन है। अगर मगराड़ों क्या लुक है बैक इसे ये है चीज दो पसंद की तरह बैक हिस्सा सारा है। बात करें लिफ्ट की तो इसकी 3250 kg सेम यही जैक और इसे डिजाइन के नाल टोमो सांदे विच आया सिंह चन में के साथ जो सपोर्ट दिया गया और लिफ्ट कैपेसिटी भी सेम आई है।
काफी अच्छे तुर्की मेड है कंपनी के द्वारा, और चार बॉल दिए गए हैं हमें। डबल गैप यूज कर सकते हैं, चार बॉल दिए गए हैं पीछे, तो उनके लिए चार बॉल्स अलग से दिए गए हैं। तो ये सीट है इसकी, ये देख सकते हो आप। तो अगर मैं बात करूं पूरे ट्रैक्टर की, तो दिखने में काफ़ी अच्छा और चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये ट्रैक्टर। तो आपको पता होगा इस ट्रैक्टर की जो तकनीक है वो सभी ट्रैक्टरों से अलग है। ये एक बात मैं आपको और बताता हूं, ये इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी पंप इनलाइन या रोटरी पंप नहीं आता है। तो मैं शो खोल कर दिखाता हूँ आपको अंदर इसके। ये देखो ये इसका पंप है, यहाँ से और ये पूरा देखो आप कितना बढ़िया से फिटिंग की गई है ट्रैक्टर की। सफाई कमाल है यार, लोहे की सफाई और ऊपर पेंट की सफाई, फिर शाइन दिया गया है अलग से, मुंह बोल दिया, मजा आता यकीन करो वेख के। और सर आप इधर आइए, ट्रैक्टर की 5 साल का ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਆਪਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਅਰਜੁਨ ਮਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਕੰਪਨੀ ਮੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰ 9928008571 जी, 9928008571। और सर जो आपकी कंपनी का जो आपका शोरूम है उसका पूरा एड्रेस भी बताएं। अपना शोरूम है हनुमानगढ़ जंक्शन चूना फाटक पे है जी, जंक्शन में, और हमेशा 7 के 7 दिन खोलते हैं अपन जी, संडे भी खोलते हैं, मंडे टू संडे 7 के 7 दिन ओपन है। दोस्तों अगर कोई भी ट्रैक्टर लेना चाहता है तो अगर हमारी वीडियो देख कर आएगा, वीडियो देख के जरूर जानते सारा, वीडियो के इनको बताएगा कि हम वीडियो देख के जरूर जानते सारा करो, हमारा मान करेंगे अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो। हिस्से की बात हो रही है जी, बताइए सर। सर इसका जो हिस्सा है आगे का हिस्सा, फ्रंट हिस्सा है जी, वो कंपनी का अपना आपका खुद का हिस्सा है, बाहर से किसी से लिया हुआ नहीं। मसलन जी ना मैसी वाले जेडे है 4x4 की किट जेडी हिमा तुर्की दी है, दूसरी कंपनी अपनी इथों दी मैन्युफैक्चर लोकल नहीं है। इस तरीके कंपनियां अलग-अलग जगह तो सामान लेती है, ये कंपनी खुद ही बनाती है, इसका यूज कंपनी का खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है टोटल। जो कंपनी खुद ही कोई चीज बनाती है ना उदो शोर होती है कि की लगा रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, जर्मनी लिखा होता है, कहां पर लिखा होता है? यहां पर जर्मनी लिखा होगा। चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक है यार, क्या चीज है वो भी, इसके डिस्क ब्रेक आते हैं फ्रंट टायर के अंदर, डिफेंशियल लॉक, तो एक चारों टायरों को लॉक लगता है, ब्रेक लॉक, ये स्विच दिया गया है ब्रेकों का, ये देखो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाते हैं, ये देखो ड्राई फिल्टर यूज किया गया वगैरह वगैरह साडे वाले ही, और बायस जनाब ज्यादा फीचर है ट्रैक्टर के अंदर, टर्बो इंटरकूलर, टर्बो और इंटरकूलर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। ये प्लस पॉइंट है, टर्बो इंजन बहुत बूस्ट कर दी है। और तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना, और जो भी इनके कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, बेहतरीन वीडियो रवि भाई, सब्सक्राइब करना, बहुत बेहतरीन वीडियो है सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं इस ट्रैक्टर का बड़ा फैन हाँ, तुम बड़ा अच्छा किया जो ट्रैक्टर अभी दिखाया करीब तो एक बार फिर, तो अपना इंडिया के फेवरेट ट्रैक्टर में ट्रैक्टर है जिन्हें क्या मैं दस्या, बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं लुक बहुत एंड लगती है, ये चीज़ लगती है जनाब फुल डेंजरस। ठीक है जी, यो ट्रैक्टर है जिद एक रुपए की मोडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी मोडिफाई है सारा कुछ ही, पूरा स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, जिन्हें वास्ते रहो जी, मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी।